ऐसा लगता है वो मुझे नहीं बताएगा। अब तुम में से कोई आ जाओ। हाथ मत लगा, समझा? हर बार तू खेलता है, इस बार मैं खेलूंगा। ठीक है। जिस दिन कमिश्नर बन गया ना, एक एक की लंका लगा दूंगा। भाई, बिना ब्रेक के साइकिल चल बे, चल। दो का छटन की। हेलो, सामान खरीद लिया ना? यहाँ क्या मिलने वाला है? हैदराबाद नहीं है ये, हैदराबाद जाएंगे वहीं पर सब कुछ मिलेगा। वैसे भी यहाँ की भाषा मुझे आती नहीं, और जो भाषा आती है वो यहाँ के लोग नहीं समझते। दो बित्ते के लड़के भी हड़का के निकल लेते हैं। सुनो, ड्यूटी के वक्त मैं किसी की नहीं सुनता, चाहे मेरी बीवी ही क्यों ना हो। मुझसे सोच समझकर बोला करो, और ये 24 घंटे फोन में घुसी रहती हो जो तुम। कहाँ गए थे? टिफिन लेने गया था सर, बहुत भूख लगी थी। एक हफ्ते से यहीं रह रहा हूँ सर, यहाँ से कहीं नहीं हिला। आपको सबूत दिखाता हूँ सर। इसका क्या हुआ? कॉलोनी में बहुत सारे सचिन तेंदुलकर हैं सर, किसी ने सिक्स मार के तोड़ दिया सर। सब लोग पोजीशन में हो ना? सर, रमेश इन पोजीशन सर। मूर्ति इन पोजीशन सर। भास्कर इन पोजीशन सर। विक्रम कहाँ है? हाँ मामा जी, यहाँ हूँ, चाय पी रहा हूँ। होटल से पीकर नहीं आए? वहाँ क्या मिलता है, एक ग्रीन टी देना। हमेशा खाने पीने की बात करते हो, कुछ काम भी करो। आप जानते हैं ना मैं मल्टीटास्किंग हूँ। मेरे पास एक मासूम से चेहरे वाला लड़का खड़ा है जिसने साइड बैग ली हुई है, मुझे इसी पे डाउट है। अच्छा, वो तो फालतू लड़का है, तुम्हें पता नहीं है क्या? हैदराबाद में लाल रुमाल पैर पे बांधने का मतलब उल्टे सीधे कामों में लिप्त होता है। अभी देखना, एक गाड़ी आएगी और वो उसमें बैठ के निकल लेगा। अरे बाप रे, यहाँ पे ये सब भी होता है क्या? एक घंटे का कितना लेते हैं ये लोग? तेरे जैसी हाइट और पर्सनालिटी हो ना, एक घंटे का 10,000 कोई भी दे देगा। निकाल ऐसी नौकरी को, मैं अभी छोड़ता हूँ इसे। सर, आप CBI से हैं क्या? नहीं, NIA से। दोनों में फर्क क्या है सर? तू पैसे देकर पुलिस वाला बना है ना? गलत सवाल पूछ लिया क्या सर? अगर तूने किसी को मार दिया तो CBI इंक्वायरी करके अंदर डाल देती है, लेकिन NIA अंदर डालने के बजाय मार देती है। सर, सस्पेक्ट आ गया है। गेट हिम। भास्कर, भास्कर, वो तेरी तरफ ही आ रहा। भास्कर, या ओके रमेश, डोंट लूज हिम, आई एम कमिंग। मूर्ति, मूर्ति, वो तेरी तरफ ही आ रहा है। ये कैसी पुलिस है सर? नीट एंड फिट होना चाहिए ना सर। देखिए कैसे दिख रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के खुद ही चोर दिख रहे हैं सब लोग। इसे देखिए सर, ऐसा लग रहा है कई दिनों से नहाया ही नहीं है सर। तो तू कौन सा रोज नहाता है? हा? उनका काम देखो, हुलिया मत देखो। सर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती कहाँ से है सर? बता सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तुझे मारना पड़ेगा। क्या सर, बार बार मुझे मारने की बात क्यों करते हैं आप? उधर देखिए, आपका एक आदमी नहीं दिख रहा। विक्रम, तू आखिर कर क्या रहा है? ये ऐसे हाथ नहीं आने वाला है मामा, सामने से वार करना पड़ेगा। दिवाली की अच्छी प्लानिंग की थी तूने। यस। ए, वो पैकेट मेरा है। खा के दे दूंगा ना। चुपचाप साइन कर दे। आप इसके सामने हाथ पैर क्यों जोड़ रहे हैं? मैं ट्राई करता हूँ ना। यू कांट किल मी, यू नो। लगता है ना ये मैं फर्स्ट टाइम पकड़ा गया है। यहाँ किसी को मारते नहीं है बेटा, बल्कि उसके साथ गेम खेलते हैं। तीन पत्ती खेलना जानता है क्या? मतलब 3 कार्ड पोकर, ये भी कुछ ऐसा ही है। चल अपना लक आजमा। दिस
इज द क्वीन. नाउ फाइंड द क्वीन. अब तू सोच रहा होगा कि तेरी वाली गोली छठवें बार में निकलेगी, लेकिन इसका रिकॉर्ड है कि पहली बार में ही गोली चलाता है. एक्सपर्ट है ये. फर्स्ट शॉट मिस हो गया तो तू बच गया. नो 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 नो. लीव इट लीव इट लीव इट. वैसे तूने इसे डराने के लिए बहुत अच्छा डायलॉग बोला था. ये यहाँ का नागरिक नहीं है ना, तो लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब साइन ले लिया तो मार सकते हो. वेट, आई हैव मोर इन्फॉर्मेशन. अरे ये बकवास कर रहा है, मार दो. आई मेट गुरु नरेना. रुक जाओ, तुम हटो, मैं बात करता हूँ. आर यू श्योर? वेरी श्योर, 100% श्योर. व्हेन डिड यू मीट हिम? फ्यू डेज अगो. दे सेड दे विल मीट अगेन. व्हाट इज हिज प्लानिंग? हिज प्लानिंग टू सॉरी मामा जी, गलती हो गई. ये तू इतना आराम से कैसे बोल सकता है? अरे तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? ये गुस्सा नहीं है, पागलपन है. दोनों में अंतर क्या है? जब कोई बिना सोचे समझे किसी पे गोली चला दे तो देश के हर नागरिक को चाहिए कि अपने आसपास की सफाई खुद रखे. जिसकी तरफ भी ये बोतल रुकेगी वो रात को पार्टी देगा. अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? विक्रम का ये फर्स्ट एनकाउंटर, यही पार्टी देगा. तुम्हारे यहाँ इसे एनकाउंटर बोलते हैं क्या? हमारे यहाँ बाय मिस्टेक बोलते हैं. अरे तो कुछ भी बोला है तो इनकाउंटर ही ना. तेरी तो गलती से गन चली थी ना. यहाँ शांति से चाय पीने के लिए आया था. ये लोग ना शांति से चाय पीने दे रहे हैं ना बिस्किट खाने दे रहे हैं, और ऊपर से पार्टी चाहिए इन्हें. नहीं दूंगा मैं. हे, जब देखो खाने पीने की बात करते हो थोड़ा रुक नहीं सकते? मेरी बात सुनो. हाँ ठीक है भाई साहब, दो समोसा. हाँ अब बोलिए. समोसा. देश के अंदर आज हम लोग शांति से रह रहे हैं, इसका श्रेय किसी और को नहीं, होम मिनिस्टर जी को जाता है. हमारे प्यारे चक्रवर्ती जी, ये सिर्फ होम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि एक ऑनेस्ट मैन भी है, और अपने अच्छे कामों की वजह से आज ये लोगों के दिलों में बसते हैं. आज वो होम मिनिस्टर है तो उसकी ईमानदारी के बारे में सबको पता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कैसा था ये मुझसे बेहतर किसी को नहीं पता. वो बहुत गुस्से वाला था, हर प्रॉब्लम को ढूंढ ढूंढ कर सॉल्व करता था. वो जिस एरिया में भी जाता था वहां शांति का माहौल रहता था. गुरु नारायण, गुरु नक्सल टीम का लीडर, नक्सलिज्म की आड़ में एक्सटॉर्शन का धंधा करता था. गुरु नारायण को रोकेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में आएगा, उसे पता था. इसीलिए उसने अपनी टीम तैयार की. फिर वहां पर जाकर चक्रवर्ती ने शूट आउट का प्लान किया. उस शूट आउट में बहुत लोग मारे गए, लेकिन गोली लगने के बाद भी गुरु नारायण भागने में कामयाब हो गया. आज 15 सालों से वो गायब है. आज मैंने इतने सालों के बाद उसका नाम सुना. शायद पुरानी दुश्मनी के लिए उसने हथियार खरीदे हैं. जरूर उसने कुछ बड़ा प्लान किया होगा. अब हमें यह पता लगाना होगा कि अब तक वो कहां था और इस वक्त वो कहां है, उसका मोटिव क्या है, और उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है इसे हम कैसे प्रोटेक्ट करें. उन्हें फोन करके अलर्ट रहने के लिए बोल देते हैं ना. इतना आसान नहीं है. एक ही विटनेस था, उसे भी उड़ा दिया. ऑफिशियली हम कुछ भी नहीं कर सकते. ऑफिशियल की क्या जरूरत है, आपके तो फ्रेंड है ना. वो फ्रेंड है लेकिन एक स्टेट का होम मिनिस्टर भी है. पक्का इन्फॉर्मेशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते. रुक जाइए. आपने जो ऑलरेडी फिक्स कर लिया है हमें बता दीजिए, हम वही करेंगे. इसमें बताना क्या है, ये एक अनऑफिशियल काम है. होम मिनिस्टर पे नजर रखनी है और क्या करना है. अरे चोर के ऊपर नजर रखने की बजाय हम टारगेट के ऊपर नजर रख रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, उसके लिए तो कैरेट रखना ही काफी होगा. अब ये बीच में कैरेट कहां से आ गया? तुझे स्पीकर को हाथ लगाने से मना किया था ना. मामा जी मैं यहाँ नहीं रहूंगा. तूने जो किया है ना उसके लिए 1 महीना सस्पेंड करना पड़ेगा. अब आराम से बैठ कर. मुझे सस्पेंड क्यों कर रहे हैं, उसे तो लास्ट में मारना ही था ना. सुन, जो सोच समझ कर मारे उसे मेडल, जो बिना सोचे मारे वो सस्पेंड. होम मिनिस्टर का घर कहाँ है? अरे आप तो पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं. अगर ये अनऑफिशियल है तो होम मिनिस्टर अपने घर में क्यों घुसने देंगे? घुसना नहीं है, उन पर सिर्फ नजर रखनी है. अगर इमरजेंसी में जाना पड़ा तो उसके लिए भी एक उपाय. क्या? मुथु कृष्णा, एजेंट मुथु कृष्णा, इंश्योरेंस एजेंट
शाम को वो होम मिनिस्टर की बेटी को डांस सिखाता है, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। वो मिलेगा कहाँ? उसे ढूंढना नहीं पड़ता, इस एरिया में जो भी नया आता है वो पॉलिसी बेचने उसके पास पहुँच जाता है। सर 301, लो ये तुम्हारा। हेलो, मेरा नाम कृष्णा, मुथु कृष्णा, इंश्योरेंस एजेंट हूँ। सर आजकल देश में जरूरत नहीं है, शहर में नया आया हूँ, घर है, गाड़ी है, फैमिली है और सबकी पॉलिसी करवाई है। आपसे एक पर्सनल फेवर चाहिए भाई। सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे शहर का एक लड़का है, डिग्री भी किया है, अगर आपके यहाँ कोई जॉब हो तो। ऐसा तो करवा देंगे सर, वैसे भी हमारे इंश्योरेंस के फील्ड में एम्प्लॉय बहुत कम हो गए हैं। लड़के को बुलाइए। कौन से ग्रुप से हैं आप? ग्रुप नहीं, सिविल्स कर रहा हूँ। सिविल्स? सिविक्स, सिविक्स, सिविक्स। बाकी सारे सब्जेक्ट कर लिए हैं, सितंबर में ये भी हो जाएगा। पर आपने तो कहा था कि डिग्री हो गई। हो गई है, लेकिन पूरी नहीं हुई। डिग्री नहीं, तब तो रिस्क है। सर्टिफिकेट मैं मैनेज कर लूंगा। मैनेज कर लेंगे। बाबू कल सर्टिफिकेट लेकर ऑफिस में आ जाना भाई। सर ये लड़का मुझे पसंद है, बहुत कोऑपरेटिव है। वो तो दिख रहा है सर, मैं चलता हूँ। सर हाँ, सैलरी तो बताई नहीं आपने। मैं बात कर लूंगा, आप जाइए। ये कौन सी लोकेशन पे खड़ा कर दिया आपने गुरुजी? राइट में देखो, इधर तो बैंक है गुरुजी। अरे ऊपर देखो यार, ऊपर तो टाइपिंग इंस्टीट्यूट है। अरे नाटक मत करो, ठीक से देखो। क्या हुआ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हेलो, दिमाग नहीं है तुम्हें? बीच रोड पर खड़े हो। एक मिनट रुकिए, क्या शाइनिंग है, बचपन में ट्यूबलाइट लेके पैदा हुई थी क्या? बकवास बंद करो और साइड में हटो। कैसे गाड़ी चला रही है, बोनेट खुला हुआ है, ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या? क्या लगा बोनेट बंद करना मुझे नहीं आता? गाड़ी बंद हो जाएगी ये मुझे नहीं पता। बोनेट को खोलो, क्या प्रॉब्लम है देखो और गाड़ी स्टार्ट करो। करो। ये तो बहुत गर्म है। पता है, इसीलिए तो तुम्हें बोला। अपना दुपट्टा दीजिए। नहीं रहने दीजिए, मेरा स्वेटर है ना। तब तक आप अपना नाम ही बता दीजिए। बताइए ना, बातें करेंगे तो टाइम पास हो जाएगा। सुनिए, आप नहीं बताएंगे तो मैं कुछ भी नाम रख दूंगा। कांति। अरे मैं भी यही नाम रखने के लिए सोच रहा था। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? होम मिनिस्टर की बेटी। और आपको पता है मैं कौन हूँ? होम मिनिस्टर को बचाने वाला सीक्रेट एजेंट हूँ। ऐसी कार से भला होम मिनिस्टर की बेटी चलेगी? तुम्हारी फालतू की बकवास नहीं सुननी है, कार ठीक करो। अरे गुस्सा क्यों हो रही है? चिल्लर चाहिए क्या? मिस्टर विक्रम। हाँ गुरुजी। ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। फर्स्ट टाइम है ना, ध्यान से सुनो। ठीक है गुरुजी। आजकल सारी पॉलिसी फोन पर बेची जाती है, पर हम लोग ऐसे नहीं है।
फोन पर क्लाइंट हमारी बात अनसुनी कर सकता है या फिर फोन को बगल में रख सकता है, पर आमने सामने हो तो हम उसे इम्प्रेस कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। हर एक पॉलिसी में कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयाँ भी होती है, उन्हें मैनेज करना ही हमारा जॉब है। ये तो बताना है कि पॉलिसी से पैसे मिलते हैं, पर किस तरह मरने से मिलेंगे ये नहीं बताना है। उसी के बारे में पेश है ये प्रेजेंटेशन। स्विच ऑन कीजिए, लाइट्स ऑफ प्लीज। क्या बात है, आंखें लाल हैं, सो गए थे क्या? नहीं गुरुजी, रो रहा था। रो रहे थे? तुम्हें किस बात का दुख है? ये तो गलत है ना गुरुजी, इतना टैलेंट भरा है आपने और आप अभी तक सिर्फ एजेंट हैं, ऐसे रहना आपको, प्रमोशन नहीं होगा आपका। गुरुजी ऑफिस पॉलिटिक्स रे, पर वो भी कितने दिन, तू 10 करोड़ की पॉलिसी तो लेकर आएगा ना, और उसके लेते ही तू उस पोस्ट पे पहुंच जाएगा जहां पर मैं हूं। अपने बारे में जितना कम बात करें उतना ही अच्छा। चल क्लाइंट वेट कर रहा होगा। अच्छा ये बता कैसे जाएगा? कैसे जाऊंगा गुरुजी, बस पकड़ के चला जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें अपनी बाइक पे ड्रॉप कर देता हूं ना। आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है। दस लोग हैं सर। 10 लोगों से कुछ नहीं होगा। सर आगे जाके देखो। ओके सर। नमस्ते सर। सब ठीक है ना? ठीक सर। कमिश्नर साहब कहाँ हैं? किसी काम से बाहर गए सर, डायरेक्ट आने के लिए बोला है। ऐसा कौन सा काम आ गया? अगले हफ्ते प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, अभी तक सिक्योरिटी का भी डिसीजन नहीं हुआ। सीएम साहब को जवाब कौन देगा? ए, आज की तरह लेट मत करना, टाइम पर आना। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो। पता है गुरुजी, मेरा मतलब वो नहीं है गुरुजी। तेरा ये बात करने का ढंग अगर बदल लेगा तो अच्छा रहेगा। चल लड़की आ गई है, अब तू जा। मेरे मामा जी ने कहा था कि आपके साथ रहकर सब कुछ सीखूं गुरुजी। अरे मैं उस लड़की को डांस सिखाता हूँ। मैं भी डांस कर सकता हूँ गुरुजी। होम मिनिस्टर का घर है, ऐसे डांस करेगा तो कटवा कर फेंकवा देगा, नालायक। अगर आप मुझे अंदर ले जाएंगे तो मैं आपके नाम पे 10 पॉलिसी करवाऊंगा। वो तो मैं 4 महीने में नहीं करवा पाया। आप अलग है और मैं अलग हूँ गुरुजी। पता नहीं, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है, पर तुम सच में कर सकते हो ना? ठीक है तो चल, पर जरा संभल कर। जरा रुक। सर मैं पता लगा लूंगा सर। जल्दी आने के लिए बोलो। श्योर सर। गाड़ी काफी पुरानी हो गई है, दूसरी ले लें क्या? कोई बात नहीं पापा। मैं भी यही बोल रहा था सर। रुको। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आती है ना सर, इनकी गाड़ी में अजीब बीमारी है, बोनेट बंद करो तो गाड़ी बंद हो जाती है। मेरी और इसकी मम्मी की ये पहली कार है, इसके रहते ये नई कभी नहीं लेगी। हमारे गुरुजी के जमाने की कार है, अब तो बदल देनी चाहिए। मेरी कार एकदम परफेक्ट है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी जान पहचान का लड़का है, इसको भी डांस सीखना है इसलिए साथ में लेकर आ गया। ओह, तो इसे यहाँ क्यों लेके आए, अपने घर पे सिखाओ। ऐसा नहीं सर, वो क्या कि डांस। अरे छोड़ो ना, सिखा देगा तो क्या जाएगा, वैसे भी इसने बेटी की हेल्प की। तुम चलो मैं आता हूं। सर चलो। अरे सन्ना, आप इतना डर क्यों रहे हैं? मैं तो बचपन से इसके क्लोज हूँ। तुम मुझे जानते हो इसलिए नहीं, मास्टर जी के लिए इज्जत है इसलिए आने दिया। हाँ ये ऊपर से ऐसे बोल रही है लेकिन दिल से मेरी इज्जत करती है। मॉर्निंग मिस में मुझे ठोक दिया ना। इस उम्र में डांस सीखकर करोगे क्या? सिर्फ आपको ही जन्म सुना है क्या? दूसरे कलाकार कहीं जाके मर जाए। सुनिए गुरुजी, डांस सिखा दिया लेकिन मैनर्स नहीं, इनसे तुम कुछ सीख नहीं पाए। मेरे गुरुजी की बेइज्जती कर रही है। मेम साहब कोई कपड़े हैं क्या धोने के लिए? कोई कपड़े नहीं है, जाओ तुम। आंटी एक मिनट रुक जाइए, ये लीजिए, इसको अच्छी तरह से धुल के इस्त्री करके दे दीजिएगा, शाम को मैं घर जाते समय ले लूंगा। अरे आप भूल गई क्या, आपकी मदद करते समय गंदा हो गया था, इसे अपना ही घर समझिए। अरे आइए गुरुजी। अब ताई ताई दिखी ताई 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 रेडी गुरुजी। रेडी हूँ मैं। इतनी सहन शक्ति नहीं है मुझ में कि तेरा ये घुंघरू वाला नाच देख सकूं, पहले तो ऑब्जर्व कर। ठीक है खोल देता हूँ। तुम शुरू करो बेटी। ताई ताई देख ताई 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 देख ताई 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 देख ताई। तुम चालू रखो। हाँ करो। ताई ताई देखी ताई 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 देखी ताई 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 देखी ताई। बेटा शिष्य। हाँ गुरुजी स्टार्ट करूँ क्या मैं? जरा वो कुर्सी लेकर आना। अभी लाता हूँ।
उसे वहां दरवाजे के पास रख। हाँ हाँ हाँ, अब उस पर बैठ जाओ। ऑब्जर्व करने के लिए पास आने की जरूरत नहीं है, दूर से भी हो सकता है। बैठ जा, बैठ। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। तई तई दिख तई 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 दिख तई 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 दिख तई 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 आज प्रैक्टिस नहीं करते मास्टर, कल करते हैं। अरे आप बहुत अच्छा कर रही हैं, ऐसे कैसे बीच में छोड़ सकती हैं? तुम ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो, इसलिए गुस्सा आ रहा है। वाह वाह, जब आप परफॉर्म करेंगी तो हजारों लोग आपको देखेंगे, वहाँ भी ऐसे ही करेंगी। तुम्हारी तरह मुंह खोल के नहीं देखेंगे। मतलब तुम मुंह बंद करके आराम से बैठ जाओ, घूरो मत इन्हें। मेरी आंखों से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है ना, है ना? नाच बसंती। शुरू करो। तई 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 तई। डरो मत, फोन है। मामा जी बाद में बात करिए, मैं बिजी हूं। डांस करने के लिए इतना नाटक कर रही है, मेरी बातों पे ध्यान मत दीजिए, डांस करिए। रेडी मास्टर। मैं दुनिया का सबसे बड़ा डांसर किसे मानती है? अपनी माँ को। उसके बाद आपने बहुत सारे लोगों के डांस देखे होंगे, तब आपकी फीलिंग रिक्रिएट हुई होगी, लेकिन मेरी लाइफ में वो मोमेंट आज का दिन है। हाँ बोलो। क्या हुआ, गुरु नारायण को पकड़ लिया क्या? कहाँ है वो, कुछ पता चला? ये सब बताने के लिए मैंने तुम्हें वहाँ पर नहीं रखा है, करने के लिए रखा है। आप हर बात अधूरी क्यों बताते हैं मामा जी? पुलिस के एनकाउंटर में गुरु नारायण मिस कैसे हो गया? पहले गोली उसकी तरफ से चली या पुलिस की तरफ से? जिसने गोली चलाई थी उसको पुलिस ने पकड़ा था, उसका नाम क्या था? उसका क्या नाम था, सवाल मैंने पूछा है। हाँ, उससे क्या काम है? उसी को ढूंढने के लिए तो मैंने आपके पास फोन किया है। उसे मैं ढूंढ लूंगा, तुम मेरी बात सुनो। गोली लगने के बाद गुरु नारायण कोमा में चला गया था। हम उसका करंट लोकेशन पता कर रहे हैं। क्या बात है, 14 साल के बाद कोमा से वो बाहर आएगा तो होम मिनिस्टर को मार देगा। उसके पास थोड़े पैसे या 4 बॉडीगार्ड क्या हो गए तो आप उसे इतना भाव दे रहे हैं? होम मिनिस्टर को मारना आसान नहीं है। तूने सिर्फ गुरु नारायण का नाम सुना है, मैंने देखा है, जरा अलर्ट रहना। वैसे वहाँ सब ठीक तो है ना? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन खाने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो सोच रहा हूँ खाना बनाने के लिए किसी से शादी कर लूँ क्या? कभी कभी लगता है तू होशियार है, लेकिन हरकतों से याद दिलाता है कि तू गधा है। फोन रख। ओके। यहाँ पर साइन कर दीजिए। हाँ, कस्टमर केयर वाले कॉल करके क्लाइंट का नंबर भेजेंगे, वो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स। ठीक है, ठीक है। अब आज का अपना प्लान क्या है गुरुजी? आज का टारगेट तो हमारा पूरा हो गया है, चलो ऑफिस में आराम से बैठते हैं। ऑफिस बगल में है गुरुजी, आप मेट्रो से चले जाइए ना प्लीज। क्यों, बाइक है ना? बाइक की चाबी मुझे दीजिए, मुझे कुछ पर्सनल काम है, मैं करके आ जाऊंगा। पर्सनल काम क्या है ये तो नहीं पूछूंगा, लेकिन जल्दी आ जाना, ठीक है? थैंक यू गुरुजी। ले जा। क्या हुआ, गाड़ी ने फिर से धोखा दे दिया? वो ठीक नहीं होने वाली है, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ऑटो। मेरी बात सुनिए, शहर के ऑटो का मीटर बहुत फास्ट भागता है, और अकेली लड़की का ऑटो में जाना सेफ भी नहीं है। वो क्या है कि इसमें रिस्क है। तुम्हारे साथ मुझे रिस्क नहीं है, इसकी क्या गारंटी?
जिसके बारे में आप नहीं जानती उससे तो बेटर ही हूँ। बैठ जाइए। बैठ जाइए ना। अच्छा ये बताइए, आप होम मिनिस्टर की बेटी हैं, आपके लिए प्रोटोकॉल नहीं होते हैं क्या? होते हैं, पर होम मिनिस्टर के लिए, उनकी बेटी के लिए नहीं। प्रोटोकॉल ना हो तो चलेगा, कम से कम बॉयफ्रेंड तो होना चाहिए। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तुम्हें किसने कहा? आपकी कार रिपेयर की और अभी आपको लिफ्ट, मैंने दी है। वैसे आप होम मिनिस्टर की बेटी हैं, आपका बॉयफ्रेंड तो कोई भी बन जाएगा। तो अभी तक कोई बना क्यों नहीं? फिक्र मत करिए, मुझे गाड़ी चलाने आती है। वैसे भी बाइक पे अगर लड़की बैठी हो तो बाइक एक दो बार भिड़ती ही है। एक बार मैं दो गाड़ियों के बीच में घुस गया लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं थी। अच्छा होता मैं ऑटो से ही आती। लेकिन वो आपके साथ कुछ कर देता तो? तुम्हारी बकवास क्या कम परेशानी है? ठीक है। हाँ इधर इधर ही, बस यही रोक दो चली जाऊंगी। कैसी बात कर रही है, यहाँ तक आया हूँ तो गेट पे क्यों? आपको आपके क्लास तक छोड़ देता हूँ। जरा एक मिनट, ना तो मैंने कॉलेज का नाम बताया और ना ही क्लास, फिर तुम्हें कैसे पता? बस पता है मुझे। R&D। ठीक है अब जाओ। जो मुझे देख रहा है उसे धमका रहे हो, एड्रेस भी पता कर लिया, इरादा क्या है? पहले हिंट दे रही थी और अब इस तरह की बातें कर रही है। हिंट दी? हाँ, देखिए अनजान बनने का नाटक मत करिए, मुझे पता है आप सब जानती हैं। सुनिए मैं आपको पसंद करता हूँ, एक बार आप मेरे साथ डेट पे चलिए, इम्प्रेस ना कर पाए तो जिंदगी भर शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जो तुमसे हो ही नहीं सकता उस चीज का वादा मत करो। आप सही कह रही हैं, मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने आपको प्रॉमिस नहीं किया, आप मुझसे प्यार करती है ना? बताइए डेट पे चलेंगी या नहीं? मेरी शाम 4 बजे तक क्लासेस हैं। 4 बजे तक क्लासेस? विक्रम, विक्रम। हाँ अच्छा गुरुजी, उसने बोला कि 4 बजे तक उसकी क्लासेस हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कहीं वो मुझे टाइमिंग तो नहीं बता रही है? सुन तेरी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, शायद तू फारसी में बात कर रहा है, हिंदी में बता। क्या है ना गुरुजी, एक लड़की से मैंने डेट के लिए पूछा, उसने जवाब में मुझसे कहा कि 4 बजे तक उसकी क्लासेस हैं। अरे बेवकूफ, तुझे समझ में नहीं आया, उसने कहा है कि 4 बजे पिकअप करो। ऐसा क्या? हाँ। थैंक यू गुरुजी। अरे रोक तो, 4 दिन पहले तू गांव से आया और गर्लफ्रेंड भी बना ली। समझिए किस्मत खुल गई गुरुजी। शाबाश बेटा। थैंक यू। माय डियर एजेंट्स, देखो इसको देखो, ये मेरा शिष्य है, सिटी में आए हुए 2 दिन हुए हैं और इसने गर्लफ्रेंड भी सेट कर ली। यही हर इंश्योरेंस एजेंट की सबसे बड़ी खूबी होती है, सबका मन जीत लेता है, पॉलिसी पे पॉलिसी लेकर आता है। सुनो उसके पास कार और घर है ना, वो हमारी पॉलिसी लेंगे ना? घर का इंश्योरेंस करिएगा, कार का इंश्योरेंस मत करिएगा, नहीं तो कंपनी डूब जाएगी। ठीक है ठीक है। 4 बजने वाले, मैं जाता हूँ। जा जाओ। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरुजी। ए विक्रम, मैं बंद कर दूंगा। हाँ गुरुजी। कैब से जाने की जरूरत नहीं है, बाइक ले जाओ। मैं डांस क्लास मेट्रो से चला जाऊंगा। अब कैसी डांस क्लास गुरुजी? क्यों रे, मुझे नहीं जाना है। डांस के लिए लड़की भी तो होनी चाहिए। क्या मतलब? आपकी शिष्या ही तो मेरी गर्लफ्रेंड है गुरुजी। ए, अरे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम नहीं पता है फिर भी मेरे साथ डेट पे जा रही हैं। आप तो मुझसे भी एक कदम आगे हैं। तुम गाड़ी रोको, मैं उतर जाती हूँ। ये क्या है जी, हमेशा गुस्सा हो जाती हैं। विक्रम नाम है मेरा, राजा विक्रमादित्य। या तो विक्रम रखना था या फिर राजा ही रख लेते, ऐसे राजाओं की तरह दो दो नाम क्यों रखे? वो क्या है ना, मेरा नाम तो विक्रम ही है लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे राजा कह के बुलाती थी, इसलिए राजा लगा लिया। कहाँ ले जा रहे हो, शहर तो पीछे गया। क्या हुआ, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? मुझ पे शक मत करिए। और ये बताइए आप हमेशा डांटती क्यों रहती हैं? अच्छा बताओ तो ले कहाँ जा रहे हो? आप डरिए मत, बैठी रहिए, पता चल जाएगा। ओह
मंदिर। क्या हुआ, आपने जहाँ सोचा था वहाँ लेके नहीं आया क्या? ये मंदिर मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हें आंध्र नाट्य कला के बारे में पता है? इट्स अ रेयर डांस फॉर्म। पता है उसके सारे परफॉर्मेंसेस मंदिर में होते थे, पर मेरे पैदा होने से पहले सब बंद हो गया। अगर पुराने जमाने की तरह यहाँ डांस परफॉर्मेंस होते तो कितना अच्छा होता ना। मैंने पिताजी को भी बहुत रिक्वेस्ट की कि वो मुझे यहाँ लेकर आए, पर उन्होंने कहा कि मंदिर बंद हो गया है और होम मिनिस्टर की बेटी वहाँ जाएगी तो इश्यू हो जाएगा। उसके लिए पिताजी से रिक्वेस्ट क्यों की? वॉचमैन या मैनेजर से कर लिया होता। मेरी नानी हमेशा कहती थी कि मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हूँ। आज मैंने देखा, मेरा डांस सीखना मेरी माँ को बहुत पसंद था, इसलिए मैंने मुथु कृष्णा जी को ढूंढकर उनसे डांस सीखना शुरू किया। अगले महीने परफॉर्म भी कर रही हूँ। जानता हूँ। हाँ रिंडी। तो अब घर चले। पहले सच सच बताओ, तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? क्योंकि आप बहुत खूबसूरत है। मैं अपनी माँ की तरह दिखती हूँ। हाँ, आप होम मिनिस्टर की बेटी होके भी इतनी सिंपल हैं। ये मेरे पिताजी की परवरिश है। मेरी खुद की कोई बात बताओ जो तुम पसंद करते हो। हाँ, आप ना अपने पिताजी से बहुत प्यार करती हैं। जो लड़की पिता से प्यार करती है वो पति से भी बहुत प्यार करती है। क्या हुआ? अगर आपको विश्वास नहीं है तो मुझे चाबी दीजिए, मैं चला जाता हूँ। और तारीफ नहीं होने वाली है मुझसे अब। मेरी धड़कन 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 में धड़के बस तू ही तू, ओ सैयारे। मेरी धड़कन 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 में धड़के बस तू ही तू, ओ सैयारे, ओ सैयारे। ये तेरी खुशबू मेरी सांसों में है घुले। गुरुजी डांस शुरू करें। अभी शुरू करने की जरूरत है? मेरे दिमाग में एक सवाल है और मुझे यकीन है कि तू उसका अच्छी तरह जवाब दे सकता है। हाँ पूछिए ना। वो क्या है, तू देखने में तो एक मामूली सा लड़का लगता है। मैंने तुम्हें नौकरी नहीं दी होती तो तू फुटपाथ पर सो रहा होता। और वो लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी डांसर है, और उसका बाप होम मिनिस्टर है। तुम दोनों का मामला फिट हो जाएगा, ये तुमने सोच कैसे लिया? तुमने कुछ सोचा तो होगा ना इसके बारे में? बस यही सवाल मेरा दिमाग खराब किए दे रहा है। आप फुटबॉल मैच देखते हैं? हाँ देखता हूँ।
उसमें लड़की गोल की तरह होती है। मैं प्लेयर, होम मिनिस्टर गोलकीपर। अरे वाह। जो इधर उधर घूमता रहता है वो रेफरी होता है। जैसे कि आप, रेफरी को आना है तो आए, गोलकीपर को आना है तो आए, प्लेयर गोल मारने से नहीं चुकेगा। सिंपल। वाह 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 वाह, क्या इमेजिनेशन है। अच्छा, वो जो मुंह में सीटी लेकर घूमता है, रेफरी, रेफरी, हाँ वही, वो जो रेड रेड जेब से निकाल कर दिखाता है, वो क्या होता है? वो फाउल कार्ड होता है गुरुजी, वो दिखाएंगे तो प्लेयर बाहर चला जाता है। अच्छा, तुम्हें पता हो ना हो, लेकिन एग्जाम्पल बिल्कुल सही दिया। अब देखो ना, तुम्हारी जिंदगी का फाउल कार्ड भी मेरे पास है, देखो जरा। ये फाउल कार्ड उस गोलकीपर को दिखाता हूँ, फिर देखता हूँ इस प्लेयर का क्या होता है। गुरुजी, अरे अरे सुनिए तो सही, रुक जाइए गुरुजी, मेरी बात सुनिए। आखिर कर क्या रहे हो तुम लोग? सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं हुआ सर? मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर। नो 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 नो, आई एम नॉट हैप्पी विद योर आंसर। 10 मिनट के अंदर तेरी नैया डूबने वाली है। मैं तो कुछ भी बात करके मैनेज कर लूंगा, अपने बारे में सोचिए, आपका क्या होगा? मेरा क्या होगा? यहाँ पर मैं खुद नहीं आया, आप मुझे लेके आए। सिस्टम को तुम लोगों ने मजाक बना के रखा। डेट करना तो मुझे आता ही नहीं था, आपने ही तो मुझे सिखाया। मानता हूँ मैंने प्यार किया, लेकिन सिखाया तो आपने ना। वो फोटो जरा दिखाई। हाँ, इस फोटो में ये मैं हूँ, ये कांति, और ये आप, मतलब आपकी बाइक। बहुत अच्छी फोटो खींची है। एक हफ्ते में सारे स्टेशन अपग्रेड नहीं हुए तो मैं अपनी पावर दिखाऊंगा। फोन रखो। क्या हुआ? अरे बोलो ना, क्या बात है? ये पूछने के लिए आयो? दिमाग नहीं है क्या? गेट आउट। अब उसकी जरूरत नहीं है सर। अरे इसकी प्रॉब्लम क्या है? वो क्या है ना सर, कि 10 करोड़ की पॉलिसी हो जाएगी तो गुरुजी की प्रमोशन हो जाएगी, तो ये सोच रहे थे कि वो आप करवा लें तो। इसके लिए टेंशन लेने की क्या जरूरत है, ये तो अच्छी बात है। मैं अपनी बेटी के लिए करवा देता हूँ। सर सर, आप मेरे भगवान है सर, आपकी वजह से मैनेजर बनने का सपना पूरा हो रहा है। जब मैं अपनी ब्रांच खोलूंगा तो उसकी ओपनिंग आपको ही करनी पड़ेगी सर, आपको ही करनी पड़ेगी। ओके ओके ओके, मैं आ जाऊंगा। राजशेखर सर, इनसे डेट पूछकर नोट कर जी। ठीक है सर। अजीब सी स्मेल आ रही है, रूम क्लीन करवाओ। बाहर आ जाइए। ऐसे छुपाते रहेंगे तो सबको पता चल जाएगा गुरुजी। हाथ हटाइए ना। समझ में नहीं आ रहा, तू मेरी इज्जत उछाल रहा है या बचा रहा है? गुरुजी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। बस कर भाई, तू सिर्फ 10 दिन शांत बैठ जा। डांस प्रोग्राम होने तक उसके आसपास भी नजर मत आना, उसके बाद तू जाने और वो लड़की जाने, मैं कुछ नहीं करूंगा। बात सुनिए गुरुजी। मकसद क्या है? वो मिनिस्टर को क्यों टारगेट कर रहा है? अरे छोड़, तभी तो बताऊंगा, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, NIA से। तेरा चेहरा देख के लग रहा है कि तू क्या है, सच बता। अबे तेरी तो आईडी कार्ड दिखाऊं क्या? सच कह रहा है? दिखा। कार्ड ढूंढ रहा हूँ, डरा मत। क्या हुआ? मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है ना? ए, 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 ए,
एक मिनट रुक जा। हाँ एक नंबर देता हूँ डालकर, 0222-84-3646। हाँ बोलो। हाँ मामा विक्रम बोल रहा हूँ मैं। अरे क्या हो गया इतनी रात को फोन कर रहा है? क्या बात है? कुछ नहीं मामा जी, एक पुलिस ऑफिसर से मिला हूँ, बहुत शार्प है, इसे भी अपनी टीम में रख लो, मैं रेफर कर रहा हूँ। हाँ तो पकड़ा गया ना? आपको कैसे पता? मुझे सब पता है, उसे आईडी दिखा। कैसे आईडी दिखा दूँ, सब कुछ तो उन गधों ने रखा था, आईडी रखना भूल गए। जल्दी से वीडियो कॉल करिए नहीं तो ये मेरी खोपड़ी खोल देगा। ठीक है रुको मैं करता हूँ। हाय। क्या है ये सब? पुलिस के हाथों ही मरोगे क्या? इससे कहिए कि मैं आपके डिपार्टमेंट का हूँ, इसे मैटर समझाइए, मैं एक फोन कॉल करके आता हूँ। हेलो सर। बहुत लेट हो गया यार। गुड इवनिंग पिज़्ज़ा हट, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर सर? वन मीडियम तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा विद एक्स्ट्रा ऑनियंस एंड स्लाइस ऑफ गार्लिक ब्रेड्स। ओके एनीथिंग एल्स सर? जरूरत नहीं है, जितना बोला है उतना भिजवा दो। ओके सर। सर इतने सीरियस इशू को आप इतना हल्के में ले रहे हो, दिस इज नॉट डन सर। हे विक्रम रुको इसे। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने पिज्जा मंगाया है, खा के जाओ ना। विक्रम उसे लेकर आओ। चलो ना, बड़े साहब बुला रहे हैं, सस्पेंड कर देंगे, नहीं सुनोगे तो। सर होम मिनिस्टर की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, गवर्नमेंट को हमें अलर्ट करना होगा। अगर गवर्नमेंट को अलर्ट करेंगे ना तो गुरु नारायण भी अलर्ट हो जाएगा। अगर वो जाग गया तो हमें हर वक्त जागना पड़ेगा। हमारे बिछाए जाल के पास आएगा तो पकड़ा जाएगा, तब तक हमें इंतजार करना है। मामा जी मैंने कहा था ना ये बहुत शार्प है, समझाएंगे तो समझ जाएगा। आपने जो भी बताया वो तो सब ठीक है, लेकिन इससे पूछो होम मिनिस्टर के बेटे को लाइन क्यों मारता रहता है? ये क्या कह रहा? वो क्या है कि बस ऐसे ही हो गया मामा जी। वो मेरे दोस्त की बेटी है, इसीलिए ससुर जी से आप ही तो बात करेंगे। अरे बत्तीसी टूट जाएगी, मैंने उस मदरम से मिलने के लिए बोला था ना, क्या हुआ? मैंने इंक्वायरी की है, वो एक साल पहले ही जेल से छूट गया है, बस उसका एड्रेस पता लगाना है। तो इसकी हेल्प लेकर पता कर, समझ गया? ब्रो जरा रुकना, वो क्या है ना मामा जी, हाफ सैलरी में जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, अगर सैलरी बढ़ जाती तो बड़ा अच्छा होता। गिरने से बचा रहा है, तुझे तो आदत होगी ना, चल शुरू हो जा। डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने से पहले लगता है ताला ही तोड़ता था। हाय गुरुजी। क्या रे ऑफिस का काम छोड़कर यहाँ वहाँ कहाँ घूम रहा है तू? कल रात में चोर ने घर का ताला तोड़ दिया था गुरुजी। वही बनवा रहा हूँ। क्या रे होम मिनिस्टर के घर में भी चोरी? अच्छा उसकी इतनी सिक्योरिटी है? इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है और उसके साथ जो नालायक इंस्पेक्टर घूमता रहता है वो क्या करता है? वो तो मुझे नहीं पता है गुरुजी, लेकिन वो यहाँ खड़े होकर आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। हाँ लास्ट वीक जो शेड्यूल तुमने भेजा था उसमें तो ये प्रोग्राम नहीं था। एक्चुअली ये प्रोग्राम भी आपके लड़के ने ही सेट किया है सर। hey, मुझे एक बात बताओ, उस नाइजीरियन को तुमने जानबूझकर मारा या तुम और गुरु नारायण? कैसी बात कर रहे हैं मामा जी, आपको मुझे बचाना चाहिए और आप ही की मुझे फंसा रहे हैं। अच्छा ये बताइए प्याज को काटते हैं तो उसकी खुशबू आती है ना, साथ में आंसू भी निकलते हैं तो क्या करें, पेपर में छपवा दे क्या मामा जी? यही तो मेरा प्लान है, मैंने उसे फंसाने के लिए जाल बिछाया है। ठीक है ठीक है, पहले वहाँ जाकर पूरी तरह छानबीन करना, इस बार अगर गुरु नारायण मिस हुआ ना। ठीक है। चेहरे पे क्या हुआ? कुछ नहीं, सीढ़ियों से फिसल के गिर गया था तो चोट लग गई। हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
जल्दी देर हो रही है, जाओ ना। ठीक है सर। अरे रे रे रे, लेफ्ट में। ठीक है सर। थोड़ा सा राइट। ओके सर। लेफ्ट में। अरे क्या कर दिया तूने यार। वहां पे कितने लोग रहेंगे? करीब 10 लोग रहेंगे। ए विक्रम, वहां पर जो भी, वहां उसके साथ क्या कर रहे हो? बैनर पकड़ो। पता था मुझे। तू उसके साथ क्यों घूम रहा है? अगर उसे पता चल गया तो? टेंशन मत लीजिए, उसे सब कुछ पता। सब कुछ बता दिया क्या? सारी सेटिंग आपने ही करवाई गुरुजी, मैं क्रेडिट नहीं लेता हूँ। तू मुझे मरवा के ही छोड़ेगा क्या? गुरुजी, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। क्यों रे, सुना सिक्योरिटी टाइट नहीं है? क्या मामा जी, टाइट रहेगी तो वो अंदर कैसे आएगा? पुलिस को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया है, सब अपने आदमी रहेंगे। मतलब? मैंने चक्रव्यूह रचा है मामा, अंदर आना तो आसान रहेगा लेकिन बाहर जाना नामुमकिन। कैसा लग रहा हूँ मैं? जब मैं छोटा था तो दूरदर्शन में एंकरों को देखा करता था, उस समय वो मुझे कॉमेडियन की तरह लगते थे। आज जब आपको स्ट्रेस में देख रहा हूँ तो वो मुझे अच्छे लगने लग गए। आई स्वेयर। अरे कृष्णा जी। हेलो सर, आप हमारे साथ चलिए। तुम बाइक लेकर आओ। आओ ना बेटा। पापा आप चलिए, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। सर ये बाद में क्यों आएंगी सर, वैसे भी जमाना खराब है। वो बच्ची थोड़ी है, आ जाएगी। सोहेल। कहाँ जा रही हो बेटी? डैडी ने इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट किया है, वहीं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो आ जाओ। मेरी जिंदगी में ये ब्रेकर की तरह है, हमेशा गलत टाइम पे आते हैं। बेटी कौन है वो, टेढ़ा नजर आ रहा है? नहीं अंकल, वो तो बहुत सीधा है। सीधा नहीं बेटी, मुझे वो टेढ़ा लग रहा है। पर टेढ़ा कैसे अंकल? बेटी जिसे कुछ पता नहीं उसे नादान कहते हैं, और जो सब जानते हुए नाटक करता है उसे टेढ़ा कहते हैं। नमस्ते 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 सर। सर वेलकम सर, आइए सर। थैंक यू। आइए आइए सर। क्या पापा को पता है आप यहाँ आ रहे हैं? नहीं बेटी, उनके लिए सरप्राइज है। तुम जाओ, मैं आता हूँ। काफी चलना पड़ा। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कौन है ये? ये मेरे एमडी है सर। यहाँ आने के लिए धन्यवाद सर। ये हमारे कृष्णा जी का प्यार है सर। मॉर्निंग सर। क्यों रे, मैंने उससे तेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोला फिर भी उसने लाइटली लिया क्यों? हाँ, आपको समझ में आ गया ना? पता है कार में वो आपको क्या बोल रही थी? क्या? ये बुढ़ा मेरा दिमाग चाट रहा है। तो अब मेरी हेल्प करिए मामा जी, बिना मतलब विलेन मत बनिए। सर बोलो। मिनिस्टर साहब फोर्थ फ्लोर पर पहुंच गए। तुम ऊपर ही रहो, नीचे मेरे लोग हैंडल कर लेंगे। ओके सर। सर आप बेली, आप यहाँ आइए, आपकी महानता है सर। इसमें महानता की क्या बात है, मंत्री बाद में पहले तो इंसान ही है। अब आप कहें तो रिबन काटे। सर 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 सर, मेरी पॉलिसी हो जाएगी। थैंक यू सर। सब लोग पोजीशन में है ना? बस पहुंच रहे हैं सर। तुम जाके क्राउड संभालो। ठीक है सर। ये किस लिए है? तेरी ड्यूटी टॉप फ्लोर पे है। सीढ़ियां है ना, तुझे सांप सीढ़ी खेलना पसंद है ना, तो इससे सीधे ऊपर जा सकता है। मामा जी अब जा। अरे बाप रे,
अरे बाप रे, अभी और चढ़ना है। विक्रम, टॉप फ्लोर पर पहुंच गया? हाँ, तूने मेरे लिए लिफ्ट लगवाई है ना, सीधा टॉप पे पहुंच जाऊंगा। क्या विक्रम, इतना जल्दी थक गया तू? मामा जी को बातों में फंसा के मैं जॉब पे तो ज्वाइन हो गया, लेकिन यही मेरी गलती थी। अब वो मेरी बैंड बजा रहा है, परेशान करके रख दिया है। बस किसी तरह से मेरा ये प्लान सक्सेस हो जाए, अब मुझसे नहीं होगा। जब तू होम मिनिस्टर की बेटी के साथ सेटिंग कर रहा था, तब तो मजा आ रहा था। ओ, तो इस बारे में सबको पता चल गया। वैसे वो होम मिनिस्टर की बेटी है, उन्हें पता चलेगा तो वो मुझे मार ही देंगे। अगर तू मर गया ना, तो उसमें भी नुकसान मेरा ही होगा। ये मुद्दा नहीं मरेगा। होम मिनिस्टर यहाँ से निकल रहे हैं। खुश हो ना? हाँ सर, बहुत खुश हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम? यहाँ ओपनिंग भी हो गई। देखा ना, आखिर चूहा जाल में फंस ही गया। चलो चल, लेके चलो चलो। ये सब क्या हो रहा है? तू तो पॉलिटिक्स में जाकर रिलैक्स हो गया, हम नहीं हुए ना। इसका नाम है विक्रम, इस मिशन को लीड इसी ने किया। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा हैंडल किया है। थैंक यू सर, मुझे तो पता ही नहीं चला। बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। अब कहाँ जा रहा है? मुझे उससे बात करनी है। फॉर्मेलिटीज के लिए लोकल पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं, दो दिन में हमारे पास आ जाएगा। तुम्हें स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यही रहो। कितना हुआ? 120 मैडम। चेंज नहीं है मैडम। रख लो मैडम। सब कुछ तोड़ दिया इसने। कांति, बात मत करो मुझसे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यही है ना तुम्हारा आरएनडी? वो मैंने प्रोफेशन के लिए। तो मेरे पापा की जान बचाने के लिए मेरे साथ प्यार का नाटक किया? मैं कुछ नहीं था तब भी तुमने मुझे प्यार किया, मैं नाटक क्यों करूंगा? देखो कांति, मेरा प्यार सच्चा है और ये तुम जानती हो। ऐसा भी नहीं है कि मैंने टाइम पास करने के लिए तुम्हें यहाँ वहाँ घुमाया, प्यार करता हूँ तुमसे। मेरी बात सुनो कांति, अब मैं तुम्हें सीधी बात बताता हूं, मेरा प्यार कोई नाटक नहीं है। क्या कुछ और बोलना चाहते हो तुम? जरा पास आना, कान में बताता हूं। चलता हूँ, सुबह निकलना है। ऐसी भी क्या अर्जेंसी है? गुरु नारायण तो पकड़ा ही गया, दो दिन रहकर जाना। उसे तो मेरी बानर सेना ने पकड़ा है, मेरा काम तो अब शुरू होगा। अच्छा ठीक है भाई, दो दिन नहीं रुक सकते तो कल मेरी बेटी का डांस प्रोग्राम है, उसे देख कर जाना। डांस प्रोग्राम है सर? इस चाबी को पहले अंदर डालना है, फिर लेफ्ट करके फिर राइट कर देना, बहुत आसान है सर। चल जा। अच्छा तुम यहाँ से झांकते रहते हो? क्या हुआ, तुम अपने ही घर को क्यों देख रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत के होम मिनिस्टर के चैम्बर में देखोगे? गनीमत है कि तुम्हारे बेडरूम में नहीं देखा, गुंडा मवाली समझ रखा है क्या? एनआईए ऑफिसर हूँ मैं, कुछ भी कर सकता हूँ। कितनी बार बोल चुके हो एनआईए ऑफिसर हो, पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारे पापा गन पॉइंट पे थे, शुक्र मनाओ कि मैं पहुंच गया, नहीं तो वो।
इसीलिए तो मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। जब से मेरे पापा पॉलिटिशियन बने हैं तब से उन्हें लेकर मैं बहुत टेंशन में रहती थी। अब मेरा डर खत्म हो गया। अरे कुछ नहीं, चार दिन के लिए मुंबई जाऊंगा, केस क्लोज करके वापस आ जाऊंगा। इसका मतलब तुम मेरा डांस प्रोग्राम देखने नहीं आओगे? वो मैं केस लीड कर रहा था। देखो तुम मुझे ऐसे डराओ मत, मैं मामा जी से बात कर लूंगा। अरे मामा जी का कॉल। क्या मामा जी, पूरी दुनिया को मार के मरोगे आप? अकेले पी रहे हो? मुझे पता है बॉस होने का फायदा उठा रहे हो आप। इतने सालों की सर्विस में इतनी घटिया तारीफ किसी ने नहीं की। देखिए कल मैं आपके साथ मुंबई नहीं चलूंगा, जो भी पेपर वर्क है मूर्ति फिनिश कर देगा, मैं परसों आ जाऊंगा, ठीक है ना? बॉस मैं हूँ और ऑर्डर तू दे रहा है। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करिए, मिशन कम्प्लीट हुआ, अपराधी पकड़ा भी गया है। मेरी बात सुनिए, कल मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। ओके बाय बाय बाय। अरे दे दे, चलो आ जाओ। नमस्ते। ये क्या है भाई, प्राइवेट फंक्शन को पॉलिटिकल बना दिया? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बहुत खुशी हुई आप आए। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए सब लोग। सुनो बालचंद, वो जो वहाँ कृष्णा खड़ा है ना, उसे बुला कर। ओके सर। सुनिए सर, बुला रहे हैं। उधर। हाँ सही कहा। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या बात है कृष्णा? सर भाई तुम्हारे शिष्य का प्रोग्राम है और तुम उधर मुंह लटका के खड़े हो। वैसे भी तुम दो दिन पहले मैनेजर बने हो। काहे का मैनेजर सर? क्यों भाई कृष्णा, जो आदमी मरने वाला है उसी को ढूंढ ढूंढ के इंश्योरेंस करता है तू? नॉनसेंस, कंपनी को डुबाए बिना सांस नहीं लोगे क्या तुम? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, ये सब तो विक्रम ने किया है सर। विक्रम को यहाँ यही लाए थे सर, और ऊपर से कहते थे कि उसको देखकर सीखो तुम लोग। अब दोबारा मैनेजर के पोस्ट के लिए बोल कर देखना तुम। इसका मतलब तुम्हारी कंपनी में जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। अरे छोड़ो ना, मैं इसके एमडी से बात कर लूंगा, तुम आराम से प्रोग्राम देखो। थैंक यू सर। इट्स अ बिग डे फॉर मी, मैं बहुत नर्वस हूँ। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अब स्टेज पर जिसका अगला कार्यक्रम होने वाला है उनका नाम है कांति। मेरा नाम अनाउंस हो गया, ऑल द बेस्ट बोलो तो। अच्छा सुनो, स्टेज के पास अपना मुंह खोल के मुझे ताकना मत, मेरा कॉन्सेंट्रेशन हिल जाएगा, दूर से ही देखना। नृत्य कला से ना बढ़ के है दूजा, पावन कार्य ये पूरा करना, श्री माँ लक्ष्मी कृपा करना। नाचू मैं हरदम, गाऊ मैं हरदम, सुरों की सरगम। क्या हुआ, तू तो डांस प्रोग्राम देखने के लिए आया था, यहाँ क्या कर रहा है? Something is happening, मामा जी। कुछ तो होने वाला है, और वो हमें नहीं पता। क्या होने वाला है? गुरु नारायण को पकड़ लिया ना? नहीं मामा जी, किसी ने उसे पकड़वाया है। ये तू कैसे कह सकता है? जब वो पकड़ा गया तो उसके चेहरे पर डर नहीं था, और उसके अंदर मौत का भी डर नहीं था। ऐसा लग रहा था उसको खुद को पकड़वाना उसके प्लान की एक कड़ी थी। वो चूहा नहीं है मामा जी, गाजर है। वो खुद को गाजर बना के हमें फंसाना चाहता है। जो तू बोल रहा है अगर वो सच है तो हम तहकीकात करके सच्चाई पता लगाएंगे। नहीं मामा जी, वो हमें टाइम नहीं देगा। अगर कुछ दिनों में कुछ भी नहीं हुआ तो सब रिलैक्स हो जाएंगे, और यही उसकी ताकत होगी।
इनॉग्रेशन के दिन जो हुआ वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए था। इसका मतलब होम मिनिस्टर पे खतरा भी टला नहीं है। से बात करने की औकात नहीं है तेरी, तू जानता नहीं है मुझे। होम मिनिस्टर की आंखों के सामने उनकी बेटी किडनैप, पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती। एपिक फेलियर ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। किडनैपर की तरफ से अभी कोई भी डिमांड नहीं आई है। अगर ऐसा ही रहा तो आम इंसान का क्या होगा? सर, पब्लिक आप पर भरोसा करती, उनको क्या कहना चाहेंगे? जब आप अपनी बेटी को नहीं संभाल पाए तो देश को कैसे संभालेंगे सर? डिपार्टमेंट में 18 साल और राजनीति में 10 साल जो पब्लिक ने प्यार दिया है, उनका भरोसा इतनी आसानी से टूट जाए ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। सारे सवालों के जवाब आपको जल्द मिल जाएंगे। ये वही है ना? हाँ। दिस वे चक्री। इस पूरे इलाके में हथियार यही सप्लाई करता है। क्या हुआ? दे नीड योर हेल्प। कहाँ कौन सा है? कर्नूल। यहाँ क्यों आए हो? हमारे यहाँ के एमएलए को क्या दुश्मन है, उसके लिए 10 लाख लगेंगे। ठीक है। भाई डील अच्छी है, कर सकते हैं। देवता का और काम शैतानों का, लोगों की जान लेना इसका शौक है। जो सच है वही लिखा मैंने। मेरी बायोग्राफी लिख रहा है क्या? तेरी सच्ची कहानी लिख रहा हूँ। लोगों की जमीन छीन रहे हो, उन्हें बेघर कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए तुम लोग उन्हें जान से मार रहे हो। और लोग तुझे अपना मसीहा समझकर तुझसे जुड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनकी जान लेगा? दुनिया में 100 लोगों में 35 लोगों की मौत सिर्फ स्वार्थ के लिए होती है। अब ये चाहे तू बोले या फिर
वर्दी के पीछे वो इंसान मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। जब मेरे पास कोई आता है तो मूछे ही नहीं, मूछों के साथ गर्दन भी झुका कर आता है। महेंद्र, सबको पब्लिक में मारेंगे पर ये मुझे जिंदा चाहिए। भाई आप हिम्मत मत हारना, यहां से जल्द निकल जाओ। सर इस तरफ। क्यों रे, तेरी दुश्मनी मुझसे है ना? मार दे मुझे। 15 साल इस दुनिया से बेखबर रहा और तू खुली हवा में सांस ले रहा है। मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, हार चाहिए। तुझे क्या चाहिए बता, पर मेरी बेटी को छोड़ दे। जा, खुद जाके अपनी बेटी को छुड़ा ले। क्यों, होश उड़ गए ना तेरे? बड़ा ईमानदारी का मेडल लिए घूमता है। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद बचा है, तेरी इज्जत को सरे बाजार उछालना। लोग थूकेंगे तुझ पर जब तू मुझे रिहा करेगा तेरी बेटी के लिए। अगर ये सारी बातें मीडिया में बाहर आ गई तो ऑपोजिशन वाले बहुत सारे सवाल पैदा करेंगे। वैसे कोई कुछ भी बोले, मुझे तुम पर यकीन है। तुम कोई भी फैसला ले लो, पार्टी और सेंटर से अगर कोई आवाज उठती है तो उसे फिर मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सर। अब हम क्या करेंगे? वो चाहता है मेरा नाम खराब हो, मेरी कुर्सी चली जाए। उसके मंसूबों पर हमें पानी फेरना होगा। वो सब करने के लिए हमारे पास कांति का होना जरूरी है। पहले एक्सचेंज के लिए मान जा। सही कहा सर, दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। एक्सचेंज तक तो ठीक है, लेकिन वो तुम्हें आने के लिए क्यों कह रहा है? बोला ना उसने, मुझे बदनाम करने के लिए। आप नहीं जाएंगे तो भी नाम खराब होगा सर। लेकिन सर को वहां जाने की क्या जरूरत है? वो मारने का प्लान कर रहा है क्या? वो इन्हें नहीं मारेगा। कांति को इसने किडनैप कर लिया, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। वो चाहता था कि पब्लिक में आपकी बैड इंप्रेशन पड़े और उसने ये करके भी दिखा दिया। उसका मकसद आपको हर्ट करना है, कुछ ऐसा जिससे आप टूट जाए। लोगों का जो भरोसा मुझ पर है उसके जाने के बाद, अब मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है? कांति,
बेटी? हाँ मामा जी, इनकी आंखों के सामने इनकी बेटी को मार देगा, इससे बड़ी बात और क्या होगी। किसी भी हाल में कांति को कुछ नहीं होना चाहिए, बी अलर्ट। महेंद्र, तुम कुछ भी करो पर गुरु नारायण को छोड़ना मत। आपके कहने पे भी वो नहीं छूटेगा। विक्रम, कांति का ख्याल रखना। मैंने बकरी छूने को मना किया था ना, और मैंने शेर की तरफ आने के लिए मना किया था। ठीक है, मैं तेरे शहर में नहीं आऊंगा और तू मेरे गांव में नहीं आएगा। अरे यार, फिर तुम लोग खेल क्यों रहे हो? ये बद्रम को आजकल क्या हो गया? बात भी नहीं करता, न जाने कहां खोया रहता है। क्या कर रहा है? चलना। अब हमारी उम्र हो गई है, पुलिस के चक्कर में फंस गए तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब इस तरह से बैठे रहना अच्छा लगता है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। तुम लोग किसी काम के तो हो नहीं, इसलिए ये काम दिया है तुम्हें। सुनो, क्या कुछ पैसे हैं तुम लोगों के पास? है पर 500 ही है। ला, जो भी इधर दे दे, भाई आएंगे तो हिसाब कर लेंगे। सुन बे, जब मेरे हाथों में हथकड़ी ना हो तो मुझसे दूर रहा कर। बहुत दिनों से किसी का टेटवा नहीं दबाया, कहीं तेरा ही ना दबा दूं। जब मेरे हाथ में गन हो ना तो तू भी होशियार रहना, क्योंकि किसी को ठोकने में वक्त नहीं लगता है मुझे। गुरुजी, फोन क्यों किया सर? ये बताइए, मरने पे तो पॉलिसी मिलती है, अगर किसी को मारे तो मिलती है क्या? अरे ओए, मैनेजर की पोस्ट तो मिली नहीं, अब क्या बर्बाद करके छोड़ेगा? ऐसी बात नहीं है गुरुजी, मेरे कहने का मतलब। तेरी आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, चल फोन रख। ऐसे क्या देख रहा है तू? ये देख रहा है, ये आईफोन है बेटा, इसे स्टीव जॉब्स ने बनाया था, बेचारे अब नहीं रहे। तुझे कैसे पता होगा, तू तो जेल में सड़ रहा था। तेरी जिंदगी भी ज्यादा दिन की नहीं है, तू भी मरेगा ही, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। मैंने सुना है मरने से पहले एक इच्छा पूरी की जाती है, तू 2 बता दे। विक्रम लोग, तू विक्रम, यहीं रोक दूंगा तुझे। सर विक्रम झगड़ा कर रहा है सर, उसे पीछे कार में भेजो। देख रहा है राकेश,
ये लोग वॉकी टॉकी भेजने के लिए व्हीकल यूज कर रहे हैं तो समझ में नहीं आता कि हमारे लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे लिए क्या इस्तेमाल करेंगे वो नहीं पता, लेकिन तेरे लिए क्या करूंगा वो पता है। दोनों एक साथ एक्सचेंज होंगे, बोल दीजिए मामा जी। गुरु नारायण को हम इधर से भेज रहे हैं, तुम लड़की को उधर से भेजो। पहले भाई को इधर भेजो, उसके बाद इसे भेजेंगे। उसके बाद तुम लोग लड़की को भेजोगे, इसकी क्या गारंटी है? लड़की मिलने के बाद तुम अटैक नहीं करोगे, इस बात की क्या गारंटी है? ए, ये पुलिस वाले हैं, ये इस तरह उल्टा सीधा जवाब देगा तो हम सबको ठोक देंगे ये। अच्छा ठीक है, भाई के साथ होम मिनिस्टर को भी इस तरह भेजो। लगता है पागल हो गया है। नो, हम इन्हें नहीं भेजेंगे। मैं जाने को तैयार हूँ। इसमें बहुत रिस्क है, मैं नहीं भेजूंगा। मामा जी, सर को वहाँ भेजना खतरे से खाली नहीं होगा। चक्रवर्ती को 25 सालों से जानता हूँ, मैं उसे गुरु नारायण के साथ नहीं भेज सकता। सर, मिनिस्टर के साथ मैं भी जाता हूँ, उनको कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। सुरक्षा के लिए एक आदमी साथ जाएगा। मान जाओ ना यार। हाँ बोल दो। ठीक है। ऑल सेट? सेट। अब कांति को भेजो। जाओ। तेरी बेटी को मार न दो इसीलिए इतना कावरा बावरा हो गया है। आज की रात तू अच्छी तरह सो ले, क्योंकि अब तेरी नींद हराम होने वाली है। अब देखना मेरा तांडव। नो सर, नहीं सर, सर प्लीज सर, सर छोड़ दीजिए। चक्री, जल्दी आओ भाई, जल्दी जल्दी आओ। Hey!
दो दिन में आ रहा है वो, बहुत अच्छा मौका है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इतनी प्लानिंग किस लिए? मेरे साथ चलो, डायरेक्ट तुम्हें होम मिनिस्टर के सामने खड़ा कर देता हूँ, मेरी गन लेके उसे उड़ा दो। 15 साल का वनवास झेला, पांडव सामने वाले की मौत नहीं बल्कि उनका राज्य चाहते थे, मुझे भी वही चाहिए। हेलो माय डियर ओल्ड फ्रेंड। वो नाइजीरियन पकड़ा गया, एनआईए वाले उससे सब उगलवा लेंगे। डांस परफॉर्मेंस पर होम मिनिस्टर आ रहा है, इसलिए सिक्योरिटी बहुत टाइट रहेगी, अभी उसे नहीं मार सकते। छोड़ दो इस बार, नया प्लान करते हैं। ऐसा मौका फिर से नहीं आएगा। चक्रवर्ती से बदला लेने के लिए एक मौका नहीं छोड़ूंगा, और अभी एक ही मौका है मेरे पास, तो क्या उसे भी छोड़ दूं? पर वो लोग आपको भी तो ढूंढ रहे हैं भाई। बिना युद्ध के राजा नहीं मिलता, जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। आप लड़की को मारने वाले हो, ये बात विक्रम को पता चल गई। मैं जब भी कुछ करने जाता हूं ये कबाब में हड्डी बन जाता है। उन सब लोगों की नजर लड़की पर रहेगी, मैं बद्रम से बात करूंगा, आप कैसे भी करके भाग जाना। मुझे औरों की फिक्र नहीं है, मुझे बचना है तो सिर्फ चक्रवर्ती से। मौका मिला तो ठोक दूंगा। ठीक है, लेकिन चांस से नहीं मारना। लिवर इंजरी है सर, देयर इज वेरी लिटिल वी कैन डू। आखिर तूने गोली क्यों चलाई? गुरु नारायण भागना चाहिए इसलिए। मैंने मना किया था ना। मेरा बॉस तू नहीं, होम मिनिस्टर है और मैं उनका ही ऑर्डर फॉलो करूंगा। तू कौन होता है मुझे ऑर्डर देने वाला? छोड़ो, यहां से जाओ तुम। ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही डील के लिए उन्हें मनाया। आप हमेशा कहते थे एक दिन मैं सब बर्बाद कर दूंगा, आज वही हुआ मामा जी। विक्रम सर तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। गुरु नारायण, उसे मार दिया। आपकी रक्षा करूंगा, कांति से वादा किया था मैंने। समझ नहीं आ रहा उसे फेस कैसे करूंगा। शरीर से मरने का मतलब मरना नहीं होता, मौत तो भरोसा खोने पर होती। गुरु नारायण को मारकर तुमने मुझे जिंदा रखा है। सर ये पूछने का सही टाइम तो नहीं है, लेकिन क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूं क्या सर? मैं सीएम की मीटिंग में था, तुमने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? पापा एक लड़का है जो मुझे पसंद करता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। आप हमेशा कहते हैं ना, पसंद करना या फिर एडजस्ट करना दोनों ही अच्छी बातें होती हैं, पर वो मेरे लिए करेक्ट है ये कैसे पता चलेगा? 15 साल पहले जब तेरी माँ गुजर गई थी उस समय ये सवाल मुझे डरा था बेटी, पर आज मेरी कांति समझदार हो चुकी है। उम्र के इस पड़ाव पर तेरा जो ये सवाल है
इसका जवाब देने के लिए मेरी बेटी से बेहतर भला कोई और हो सकता है क्या? ऑल द बेस्ट। डांस परफॉर्मेंस के बाद मैं तुमसे यही बात करने वाला था। कांति को मैं जान दे के भी आजाद कराऊंगा। हनुमान जी ने लंका को जलाया था पर अशोक वाटिका को नहीं जलाया। दुष्टों का तो संहार करना पर सज्जनों को कुछ ना हो। सोचा क्या था जाने क्या हो गया है ये चाहा जिसे जाने क्यों खो गया है ये दिन उदास गम से भरी रातें कांटों सी चुभती सभी बातें लागे ना दिल तेरे बिना सुना है सब कुछ यहाँ भी नहीं मार सके जब वक्त न हो तो वहां ये मौत भी ना भटके मझधार में डूब रहे जन का दिन का भी सहारा बने जब वक्त सही हो तो बहती धारा किनारा बने हनुमान जी ने लंका को तो जलाया था लेकिन अशोक वाटिका को नहीं जलाया। उसी तरह विक्रम तुम भी जलाना भी जानते और बचाना भी। सर, गुरु नारायण के साथ जो लोग मरे थे सबकी लाश घर भेज दी है पर एक आदमी बच गया था उससे पूछताछ कर रहे हैं इंक्वायरी जारी है। ये देख रहा है ना छह के छह ठोक डालूंगा। औरों की तरह मुझे मत समझना। अपराधी मर भी जाए तो मैं उसकी लाश से सच उगलवा लेता हूं लेकिन तू तो अभी जिंदा है। औरों की तो लाशें मिल जाती हैं तेरी तो राख भी नहीं मिलेगी। अगर तुझे अपनी जान से प्यार है तो जो भी सच जानता है बता दे मेरे हाथों मरने से बच जाएगा। तेरे पास यही एक ऑप्शन है तू हमारा इनफॉर्मर बन जा नहीं तो फॉर्मर बनने के भी लायक नहीं बचेगा। तुझे बॉक्सिंग बैग में भर के इतने पंच मारूंगा कि लोग तेरी शक्ल भूल जाएंगे। ये मत समझ कि मैं तुझे धमकी दे रहा हूं तुझे यहीं ठोक दूंगा। अगर ट्रिगर दबा दिया ना तो खोपड़ी खुल जाएगी।
हमारे पास एक फोन आया था कि चार आदमी चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। नंबर बताओ। 9949871797। अरे ये बता इसका क्या करना है? मर जाने दे। सर सर विक्रम, हेलो, नंबर ट्रेस हो गया है, आगे से सेकंड लेफ्ट ले लो। सीधे जाकर आगे वाली गली से लेफ्ट ले लेना। ये बशीर जो है ना, बहुत बड़ा गुंडा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में, कंस्ट्रक्शन का काम करता है और पैसों के लिए गुंडे सप्लाई करता है। तो थोड़ा आगे जाएगा ना तो सामने दिखेगा वो। फोटो है क्या? 10 साल पहले का डेटा है, लेकिन इसमें फोटो नहीं है। तेरे सामने ही है ना वो? मेरे सामने 100 लोग हैं। अच्छा, फोटो लाने आरटीओ ऑफिस भेज रहा हूँ, तब तक तू वहीं पर इंतजार कर। टाइम नहीं है मेरे पास, तू उसे अभी कॉल कर, जिसका भी फोन बजेगा वही बशीर होगा। ये लो भाई, बशीर भाई की दावत है, जी भर के खाओ भाई। खाओ भाई, खाओ भाई, थोड़ा और दो ना। पूरे 3 बकरे काटे हैं भाई। क्या हुआ? स्विच ऑफ आ रहा है यार। ए, इधर आओ, भाई का फोन चार्जिंग में लगाओ। ठीक है। अबे कौन है तू? तेरे को कभी देखा नहीं भाई, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? चल ना भाई, साथ पीते हैं। अजीब बुड्ढा है, दिन रात पीता ही रहता है। छे, चल ना भाई, चल जाओ जाओ। अरे विक्रम, मैं बोल रहा हूँ तू अकेला है, ज्यादा रिस्क मत ले, मामा जी को बोलकर लीगली काम करते हैं। तो ये बताओ वो दिखता कैसा है, बाकी मैं देख लूंगा। NIA, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। हाँ, जो भी खाएगा ना। खाना रेडी है? हाँ। आप कहे तो आइए। हाँ, चलो जी, चलो 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 ना भाई, फोटो के लिए आओ ना सब लोग। वेट करना भाई, आएंगे तो फोटो खींचना। चल सुनो, भाई कहाँ है? ऊपर गए अभी। काम का क्या हुआ? बहुत बुरा हाल हो गया भाई। नहीं, उधर दो। ये क्या? अबे कैमरा काम कर रहा है, अच्छी तरह से देख ले। मैं रेडी हूँ भाई,
दो मिनट में भाई इधर ही चाह रहे, फोटो चका चका आने चाहिए, समझा? मैं भी साथ में रहूंगा, ठीक है? ठीक है भाई। अभी तक तुझे फोटो नहीं मिला? थोड़ा टाइम देना यार। लीजिए भाई। भाई जल्दी आओ ना भाई, फोटो के लिए वेट कर रहा है। चलो भाई चलो, सब लोग फोटो के लिए चलो। चलना। जब तक दो चार मरेंगे नहीं, बशीर बाहर नहीं आएगा। बशीर भाई, बशीर फोटो मिल गया, भेजता हूँ भाई। अब उसका क्या करूंगा? अरे उठा भाई, उठा, अरे ये क्या हो गया इनको? ढंग से चलो, संभाल के। ये क्या हो गया बशीर भाई को? आने दो, आने दो। आराम से, देख आराम से, चल बैठ बैठ। शांति रख, शांति रख। ये अचानक से क्या हो गया? भाई को थोड़ी हवा लगने दो, सब लोग अभी बाहर चले जाओ। चलो चलो भाई, अरे चलो बाहर चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो 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 जल्दी। हाँ ना, ठीक है। हम सभी को बाहर निकाल दिया, किसको पता वो डॉक्टर ही होएंगे? अरे डॉक्टर है, तभी तो बोला हवा की जरूरत है, उसको पता है। हाँ हाँ, देख मेरा दिमाग खराब है, सब सच सच बता दे। क्या जानना चाहते हैं भाई? के कहने पे आदमी भेजा। मुझे बस फोन आया था आदमी भेजने के लिए, चार लोगों के अकाउंट में पैसे डाले और मैंने आदमी भिजवा दिए। डिटेल्स बताओ। इंजेक्शन लगा है। सारा डिटेल फोन में है भैया। तो पहले बताना था ना, पासवर्ड। Hey, डिटेल्स भेज रहा हूँ, इंक्वायरी कर। विक्रम देखो वो सब मैं कर लूंगा, तुम जरा होशियार। ये बोलेंगे इंजेक्शन दे दिया है, अब एक घंटे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना? यही है ना? हाँ ठीक है बस। सही कहा, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उनको। नमस्ते, वेलकम टू HMTV अक्रॉस द टेबल। आज हमारे बीच दो ऐसे लोग हैं जो होम मिनिस्टर जी के बहुत करीब हैं, और वो लोग हमारे होम मिनिस्टर जी के अच्छे कार्यों के बारे में बताने वाले हैं। सीनियर जर्नलिस्ट परशुराम जी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आज हमारे स्टूडियो में NIA चीफ भी मौजूद है। बातचीत शुरू करने से हमने सोचा था भाई आएंगे तो पैसे भी मिलेंगे, अब क्या करें हम? जब भाई नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? इसका गुस्सा देखकर तो लग रहा है कि जैसे अभी मार डालेगा, फिर लाश छुपाकर भाग जाएंगे। अकाउंट डिटेल्स भेजी थी मैंने, क्या हुआ? कल शाम को 1,00,000 निकाला था उस अकाउंट से, ये है CCTV फुटेज, देख लो। अरे ये तो बद्रम है, शूट आउट में इसे गोली लगी थी ना, अभी तक ये जिंदा है। फोन का क्या हुआ? मैं ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर ट्रेस नहीं हो पा रहा है, ये रशियन टेक्नोलॉजी है, मेरी समझ से बाहर। मुझे अभी बात करनी है। मैं बैक ट्रैक करके एक बार कनेक्ट करता हूँ, अगर कट हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए आप गलत बात कर रहे हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट में काम करते थे और बहुत गुस्से वाले थे। NIA चीफ और जर्नलिस्ट साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बने रहिए। अगर 2 मिनट रुक जाता ना तो तुझे ही फोन करने वाला था मैं। अच्छा हुआ तेरी तरफ से ही फोन आ गया।
कांति को छोड़ दे। जब मैं 12 साल का था और खेलने के लिए गया था, तब पहली बार अपने भाई को खून से लहूलुहान देखा। वो तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर पहचान का मिला, नहीं तो उसी दिन उनकी जान चली जाती। उस वक्त कोई भी मेरे दर्द को नहीं समझ पाया, पर मैंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। बस यही उम्मीद लेके बैठा था कि कब आँख खुलेंगे। मैंने ठान लिया था कि जिस दिन भाई कोमा से बाहर आएंगे उसी दिन मैं बदला लेकर रहूंगा। मेरी आंखों के सामने मारा है तूने मेरे भाई को, तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरा क्या हाल करूंगा। तू जब तक बच सकता है ना बच ले बेटा, तेरी जो भी आखिरी इच्छा हो पूरी कर ले, नहीं तो वो भी नसीब नहीं होगी। विक्रम, ए फिर से कनेक्ट नहीं होगा। क्या रे, एनआईए के ऑफिस में भी सिग्नल नहीं है क्या? है, लेकिन मैंने काट दिया। तुझको मार रहा हूं फिर भी फोन कट कर दिया उसने। पंद्रह साल पहले उसको जिंदा छोड़ दिया था, यही आप लोगों की सबसे बड़ी गलती। अरे कैसी बात कर रहे हैं विक्रम। कांति, विक्रम कांति तुम डरना मत। अब तू फोन काट के दिखा मुझे। मेरी हर बात को गलत नहीं कह सकते। Excuse me, ये लाइव शो है। भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे एक जरूरी बात करनी है। आप सभी को पता है, दो दिन पहले होम मिनिस्टर की बेटी किडनैप हुई। दुर्भाग्यवश आज वो भी हमारे बीच नहीं रहे। किडनैपर्स को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। उनके नाम पर एक 10 करोड़ की पॉलिसी है। बेटी को लाओ और पैसे ले जाओ। आप क्या कह रहे हैं? किडनैपर से डर के हम पैसे दे देंगे? उन्होंने देश के लिए जान गंवाई है तो हम उनके लिए इतना भी ना करें। अभी हमें उनकी लड़की को बचाना है। जो भी हमें उनकी लड़की के बारे में बताएगा वो सारे पैसे ले जाएगा। ए, फालतू की बकवास कर रहा है, बंद करो। अब अगर लड़की पर हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। क्या बक रहा है तू? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, दिमाग खराब हो गया है। भाई का बदला लेना है मुझे, इसीलिए तो अब तक तुम्हारे साथ था। तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब थी तो क्या कर पाए तुम? सोचो अगर ये पैसे मिल जाए तो। अगर पैसा नहीं मिला मार दिया तो? अभी हम लोग जिंदा हैं क्या? तुम लोग अपनी बकवास बंद नहीं करोगे ना तो मैं एक एक को मार दूंगा। इन लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, तुम बस पैसे दिलवा दो बेटा। जो मुंह में आता है बक देते हो, देगा कौन 10 करोड़? वो 10 मिनट में उसे मार देता, अब आधे घंटे इस बारे में सोचेगा। और कोई आइडिया था उसे बचाने का? तो क्या पैसे के नाम पर उसे लेकर आ जाएगा? आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है, 10 करोड़ का नाम सुनते ही 3 गोलियां खा चुके हैं बीपी की। वो 20 सालों से जंगल में है, उनके कोई सपने नहीं होंगे क्या? ये प्लान काम करेगा विश्वास है? अंधेरे में चिराग जलाना पड़ता है, बाहर जलाने से काम नहीं होता है। जब तक फोन नहीं बजेगा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मान लो फोन बज गया तो क्या करोगे? डिपार्टमेंट की सारी जिम्मेदारी मेरी है क्या? तुम लोग भी तो कुछ सोचो। तुम कितना भी कर लो वो पैसे नहीं देने वाला। तुम जाकर दिलवा दो। तुम तो पुलिस में हो ना? ठीक है, 1 घंटे के बाद तुम बसीर के नंबर पर फोन करना। क्या हो रहा है यहाँ पे? दारू पी रखी है सर और पुलिस वाले को ठोक दिया, इसलिए इसे लेकर जा रहे हैं। हमने रुकने के लिए कहा तो भाग रहा था सर। मैं एक सेलिब्रिटी हूँ सर, इस हालत में टीवी पे दिखा तो प्रॉब्लम होगी सर।
ठीक है, इसके चेहरे पर मास्क डाल दो। जी सर। और रात भर इसको पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखना, समझ गए? ओके सर। देखो तब ये बकवास ही करता रहता है, कौन देगा 10 करोड़? देखो गुरुजी, मेरा दिमाग बहुत खराब है, आपकी भी जान ले सकता हूँ मैं। इधर आओ, जब सामने वाला गुस्सा करे तो शांत होने में भलाई। सर मैं पागल हो जाऊंगा। अरे तुम पागल नहीं, बेवकूफ हो। अंतर बताऊं क्या? जो इंसान लड़ाई झगड़े में खुद ही अपनी शर्ट फाड़ दे उसे पागल कहते हैं, और जो दूसरे की शर्ट फाड़ दे उसे बेवकूफ कहते हैं। मैं एमडी सर से बात करूंगा, तुम पैसों का इंतजाम करो। सर आप किडनैपर से बात करके थोड़ा समय और मांगिए ना सर। अरे पहले उनका फोन तो आने दो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं सर। तुम कॉल करो। हेलो बशीर भाई, पुलिस वहां आने वाले, तुम लोग भाग जाओ। उस मोटे को हॉस्पिटल में छोड़कर आ गए तुम लोग? हेलो बशीर भाई, हेलो। तू 1 घंटा लेट हो गया, फोन रख। बिजी है। फिर से कर। हाँ। इतने टेंशन में बात क्यों नहीं कर रहे हो? बात करो ना उससे। पैसे देकर लड़की को ले जाओ तो ही अच्छा रहेगा। लड़की जब पेपर साइन करेगी तभी तो पैसे मिलेंगे ना भाई। कोई पैसे वैसे नहीं, इज्जत से लड़की को वापस कर दो। इसकी आवाज नहीं पसंद आई मुझे। तू मुंह नहीं बंद रख सकता? लगता है अब सेटिंग हो जाएगी। कॉल कर, कॉल कर। सर सर पूछिए ना कि आधा अमाउंट देंगे तो चलेगा क्या? ठीक है। हेलो। हे, हम अच्छी तरह जानते हैं तू कौन है, आवाज क्यों बदल रहा है तू? चल अब काम की बात कर। ठीक है, आना कहाँ पर है? ओल्ड मेटल यार्ड। रास्ता तो बताओ। अरे शहर के बाहर है ना वो। कितना बाहर? वो शहर से बाहर एक राउंड सर्कल आएगा, वहाँ से तुम्हें लेफ्ट लेना है। हाँ ले लिया। उधर से आधा किलोमीटर दूरी पर एक पुलिस का आउटपोस्ट है। ए, 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 पुलिस स्टेशन नहीं आएंगे हम? पुलिस स्टेशन नहीं भाई, आउटपोस्ट। वो क्रॉस करने के बाद लेफ्ट में तीसरा गेट आएगा। ठीक है हम निकल रहे हैं, तुम पैसे लेकर वहीं मिलो। 10 करोड़ रुपए क्या हम जेब में लेकर घूमते हैं? 10 बजे के बाद आना, वो भी कल। अच्छा सुनो, हमें आने के लिए कार भी चाहिए। तुम्हें पैसे के साथ कार भी चाहिए? हम क्या तुम्हें तुम्हारी शादी का दहेज दे रहे हैं? मुझे इसकी भी आवाज पसंद नहीं आ रही। भाई भाई भाई, आप जो कहेंगे हम सब करेंगे, बस एक बार आप कांति से बात करा दीजिए। ये थोड़ा अच्छा बोल रहा है। यस। तुम जाकर देखो पैसों का क्या हुआ। ठीक है। विक्रम। कांति। इस तरह रोना तुम्हें सूट नहीं करता। मैं कुछ नहीं कर पाया कांति। तुम सिर्फ मेरे बारे में क्यों सोच रहे हो विक्रम? तुम्हें तो देश के लिए आप ही बहुत कुछ करना बाकी है। लगता है बाप बेटी एक ही स्कूल में पढ़े हो, दोनों एक जैसी बातें करते हो। तुम्हें किडनैप किया गया है फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरी हिम्मत तुम ही हो। अच्छा एक बात बताओ विक्रम, आजकल टीवी पर दिखने लगे हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरे लिए एक काम जरूर करना, आज जिसने मुझ पर हाथ उठाया है उसके मरने से पहले उसकी शक्ल मुझे दिखाना। सर अगर पैसे के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस रखते तो? नहीं मामा जी, पहले जिसने बात की और अभी जिसने की दोनों अलग थे, वो बदले के लिए कुछ भी कर सकता है। पहले हम कांति को सेव करेंगे, पैसे की परवाह नहीं है। सही बोल रहे हो, कांति को हम सेफ हाउस लेकर जाएंगे। हेलो, क्या आपको अंदाजा भी है क्या हो रहा है वहां पर? मीडिया ने हालत खराब कर रखी है। मैं संभाल लूंगा सर, मैं संभाल लूंगा। ओके सर, थैंक यू। दारू पीकर एक सेलिब्रिटी ने एक पुलिस वाले को कार से कुचल दिया। ओल्ड सिटी में आज जो मर्डर हुआ उसमें एनआईए के लोगों का हाथ है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और आज हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर चक्रवर्ती जी का इलाज के दौरान अस्पताल में ही निधन हो गया। दिल्ली से फोन था,
लोकल पुलिस को इन्वॉल्व किए बिना कुछ भी नहीं कर सकते, हमें उन्हें इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। सर, विक्रम को इंक्वायरी के लिए जाना पड़ेगा सर। एक लड़की और एक बुलेट, बहुत होशियारी से काम करना, पैसे मिलते ही इसे उड़ा देना। देख तो लिया है, फिर फोटो का क्या करेगा? बोलना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल। मेरा काम मुझे मत सिखा। अब देखना तुम मुझे, किसी को जरा भी शक नहीं होगा क्योंकि इस कहानी में हीरो और विलन दोनों मैं ही हूं। राजा विक्रमा तू बन जा, विरोधियों पे खुल के तू प्रहार कर दे। राजा चाल ऐसी चल जा कि प्यार से ही शत्रु का शिकार कर दे। बदले में विजय तिलक तेरे ललाट पे हो, बदले में जीत हो तो ठाट बाट से हो, बदले में शपथ हो तो अशोक लाट पे हो, ये आन बान शान कभी कम ना हो। अचानक तू कैसे आ गया? ट्रैकिंग डिवाइस आपने लगाई है ना? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सर, विक्रम यहाँ पर, उन्होंने विक्रम से पंगा लिया है ना, इसीलिए वो शो देखने यहाँ आ गया। अब उसे रोक कौन सकता है? तेरा क्लियर शॉट है ना? नॉट रियली। वेट कर, नहीं तो वो अलर्ट हो जाएगा। अगर कांति बीच में आ गई तो? सर, अरे ये पैसे भेजने में देर क्यों कर रहे हो? पैसे मिलने तक वो कांति को कुछ नहीं करेंगे। उन्हें अपोजिट साइड में लेके आइए, बाकी क्या करना है मैं देखता हूं। सर, यहां तक लाए हैं तो दे दीजिए ना, बहुत भारी बैग है, अब और देर नहीं उठा सकता। गुरुजी, गुरुजी। पहले तेरा वजन उठाया, अब बैग का वजन उठा रहा है। सर, मैं विक्रम को बैकअप देता हूं। रुक, पीछे खोलो, इसे खोलो पहले। तुम इस पर साइन कर दो बेटा, यहां पर ले जाओ। चलो रुक जाओ। क्या हुआ?
पहले गिनने तो दो। सर पूरा गिनेंगे क्या? हाँ। अरे ऐसे एक एक नोट करके पूरे पैसे गिनेंगे तो सुबह हो जाएगी। बैंक से लेकर आए हैं, पूरा ही होंगे ना? कार कहाँ है? हाँ, पूरे ही। 10 करोड़ के लिए कार नहीं ला सकते थे? तुम चलो बेटा। ए संभाल के। ओके, पहले तुम इसे सेफ हाउस में लेकर जाओ। ओके सर, ठीक है। चलो जाओ। ठीक हूँ बेटा। गुरुजी आप ठीक तो है ना? दिखता नहीं है, कब से गोली लगी हुई है और हालचाल अभी पूछ रहा है। गुरुजी आपका लाइफ इंश्योरेंस तो है ना? मरने के बाद क्या इंश्योरेंस को चाटूंगा? एम्बुलेंस को बुला दे भाई, जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। इसमें पेट्रोल नहीं भराया था क्या? अबे तूने सिर्फ कार मांगी थी, पेट्रोल नहीं मांगा था बे। मारना है तो मार देना। तुझे क्या लगता है तू मारेगा और मैं सिर्फ देखूंगा? अब तेरी बारी है। तुझे कैसे पता चला? बाबा ने सपने में बताया। पता था तो अरेस्ट कर लेता ना। हमारी एजेंसी में एक निक नेम होता है, वैकुंठ। अनऑफिशियल किसी को ठोकना होता है ना, तो यहाँ यहाँ लाके ठोकते हैं। जिसने मुझे मारा है मुझे उसको मारना है। मेड फॉर ईच अदर। आराम से, नहीं तो इस बार मामा मेरी नौकरी ही खा जाएंगे। Thank you.
मरने से पहले तुझे बता देता हूँ कि क्यों मार रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को मारा इसलिए। वैसे तूने गेम बहुत अच्छा सेट किया था, लेकिन मेरी नजरों से नहीं बच सका। मेरी छोटी सी गलती ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। तो अब समझ में आ गया ना, आगे के जो भी प्लान है ऊपर बनाना। राजा विक्रमा तू बन जा, विरोधियों पे खुल के तू प्रहार कर दे।